Hablo con ਛੜਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਾਦੇ ਛੜਕਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾ ਹੋਰ ਲੈਣੀਆਂ ਲਿਖਦੀ ਕਸੀ ਪਾ ਛੜਕਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸੀ ਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਚਲੋ ਨਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਲੈ ਬੈਠੇ खोल दो थोड़े सर खोल दो थोड़ा थोड़ा पीछे थोड़ा खोल दिए थोड़ा और पीछे हां मैं इधर हो जाना तू ही तो थोड़ा देख के रख खोल लो ना थोड़ा पीछे हट जाओ आजी पैनी खोजो हां जी पीछे चल काम बड़ा सेल बड़ी है खोल हां सेल बड़ी काम बड़ा काम ही बड़ा ना ए बड़े पिछले थोड़ा हां जी बढ़िया बोल रही है चलो खिचो खुशी है कि तुम सवाल ही बड़े खुश हो गए पुछ रहे हो इतो ही पता लग जाता है कि खुशी हल्के वास्ते जी हैगी अज असि ना जड़ी अजनाला तो फतेहगढ़ चूड़िया तो रमदास जड़ी रोड है यदा उद्घाटन कर रहे हैं और लगभग 35.5 किलोमीटर का ये जरा एरिया पिछली यदि कोई रिपेयर काफ़ी पुरानी 8-10 साल पहला हुई सी निजमा के मुताबिक तो 5 साल बाद हो जानी चाहिए सी पर जो भी है समय दिया सरकार ने इनू अनगौलिया ही कर छड़िया सो अज सरदार भगवंत सिंह मान साहब के उदम सदका उन्हों की रहनुमाई दे जिमें पूरे पंजाब दे विच रोड्स का नैटवर्क जरा इंप्रूव किया जा रहा सो उस ही कड़ी के सरदार कुलदीप सिंह जी धालीवाल साढ़े मानयोग मंत्री साहब उन्होंने बड़े उदम किए तो इस रोड का जिनी पत्थर जरा रख लगे हैं और ये जी रोड है ये लगभग 55 करोड़ रुपए की सेंशनिंग जी हुई है एंड 11 महीने 10-11 महीने के रोड जी असं कंप्लीट करके पूरी तरह इन मजबूती बना के लोगों जी उसमें गल की पूरे पंजाब लिंक सड़क का काफ़ी बुरा हाल है मेन रोड काफ़ी बुरा हाल कि अगर चलते रहे देखो जितों तक बिल्कुल ठीक है लिंक रोड्स का संबंध है साढ़ा काफ़ी 45-46 करोड़ रुपया जरा ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने RTF का रोकया हुआ असी काफ़ी बारी विधानसभा के मता पास किया मान साहब ने निजी तौर पर जाके भी बेनतियां कीतियां सो काफ़ी रोड्स जड़िया ने मंडी बोर्ड के फिर भी असी पूरे उपराले कर रहे हैं फंड्स के अकॉर्डिंगली कि उन्होंने मेनटेन किया जाए पर जब भी साडा वो पैसा रिलीज़ हो जाएगा या जो रिलीज़ कर देंगे ने सानू
मेरा ख्याल पंजाब तक कोई भी एक कोने दे विच भी कोई छोटी जी सड़क भी जड़ी आ रिपेयर तो बगैर नहीं रहेगी। जितों तक PWD सड़कों का संबंध आ जां बाकी फंड्स ने असीं पूरी तरह यूटिलाइज करके रोड जड़ियां ने बना रहे। गल की जाए तो अमृतसर तो फतेहगढ़ चूड़िया जी सड़क है बहुत बुरा हाल है, काफी आए दिन मौत होती रही है, काफी धरने भी लगते हैं, उसका की मंत्री साहब ने डिमांड की है कि वो सड़क बननी चाहिए है। हाँ वह भी असी साडे मानयोग मंत्री साहब ने यह भी प्रोसैस जरा प्रक्रिया की शुरू की है, बहुत जल्द वो सेंशनिंग जी हो जिम्मे कि देख रहे हैं कि धुंध वाला मौसम आ रहा है, सड़क रोड सेफ्टी वास्ते की उपाय किए? देखो रोड सेफ्टी वास्ते असी साइन बोर्ड ज जड़े एज मार्किंग रोड्स के उत्ते होंगी है सेंट्रल लाइनिंग होंगी है वो असी सारे करवा रहे हैं, जितों जिथे भी साढ़े कोई साइन बोर्ड चाहिए ने उन्होंने असी दोबारा जरा एक बार फिर रिव्यू करवा रहे। सड़क बिजली मंत्री सरहदी हल्का बिजली घर बहुत छोटा है, डिमांड बड़े सिर तो 220 केवी होनी चाहिए अपना फाइनल स्टेज। देखो जिन्ने तुहाडे हल्के दे वड्डे मंत्री ने इत्थे छोटा बिजली घर रह सकदा? तुसीं जवाब दो, इत्थे छोटा बिजली घर रह सकदा? जिन्ने वड्डे मंत्री तुसीं बनाए ने ना ओडे वड्डे जिहड़े आ ना ओह ग्रिड बिजली घर जो कहोगे कर सकदे। ठीक है, थैंक यू। मानयोग मंत्री मेरे बहुत पद मित्र ने सरदार भजन सिंह ईटीओ साहब जेडे PWD ते बिजली महकमे दे साडे वड्डे मंत्री ने नाले की धरती आए, मैं इन्होंने जी आया कहना और मैं इन्होंने धन्यवाद करदा कि पिछले 20 साल तो शहर की बहुत वड्डी प्रॉब्लम सी ये जिहड़ी सड़क है जिहदा आपां नीह पत्थर रखिया जिदा ईटीओ साहब ने दस्सिया ये अजनाला दे मेन चौंक तो लैके फतेहगढ़ चूड़िया फतेहगढ़ चूड़िया तो रमदास सीधी डेरा बाबा नानक नूं जोड़दी है और डेरा बाबा नानक तो जरा करतारपुर सा कोरीडोर है उतो तक मतलब जी सड़क ने जुड़ना सो ए बड़ी पुरानी डिमांड सी। अब जिथे आप खड़े हाँ ईटीओ साहब इतने लंघिया नहीं जाता, यह शहर है सारा अगे तो चौंक के शुरू होनी है शहर के इलाके की बारे पिंड इलाक की तो प्रॉब्लम हैगी सी पर शहरिया की बहुत वही प्रॉब्लम सी, इन्ने टोया ए इतने लंघना मतलब जरा पैदल तुरना औखा हो जाता, जिदन मीह पै जाता उदन बहुत बुरी हालत हो जाती। सो मैं अपने मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का और ईटीओ साहब का बहुत धन्यवादी है कि उन्होंने ये सड़क वास्ते 55 करोड़ रुपया जरा वो दिता तो उन्होंने दसिया कि अगले 8-10 महीनों सड़क बन के जी है वो वधिया तैयार हो जूगी लोगों लिए आप खोल देंगे और ये नाल होर कई सड़क जड़िया पहला बन भी रही अगे भी कई ईटीओ साहब ने बेनती की है कि वह सड़क साडिया जड़िया क्योंकि बार्डर से आप किसी ने भी इतने किसी भी MLA ने चाहे अकाली ही चाहे कांग्रेसी किसी ने इतने 10 रुपये का कम नहीं किया सड़क का, पिंडा दे भी बड़ी बुरी हालत है शहर भी बड़ी बुरी हालत है। सो फल अज की इस सड़क के बन साढ़े लगभग ये ईटीओ साहब मतलब हल्के का दिल है सड़क जी बिचों नहीं लगती पूरे हल्के से सेंटर चाहती अद्धा उधर आता अद्धा हल्का उधर आ जाता तो पूरे हल्के बहुत फायदा होगा। सो मैं फिर दोबारा अपने CM साहब का अपने मिनिस्टर साहब का ईटीओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता कि अज की जी सड़क मतलब इन्होंने उद्घाटन किया बजट आना शुरू हो गया नीह पत्थर रखा सो मैं आस है कि सड़क बन का सब समस्या जी हल हो जाए। ठीक है, तुम खुशी की गल की ना धालीवाल साहब 24 घंटे सू खुश रखते सिर ते हाथ रखो। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममून पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।
प्रणब दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशा पूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड।